हेलो स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर। आज डिस्कस करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अपने पास क्या एक स्पून है, अपने पास क्या एक स्पून, एक चम्मच है। यदि हम इस चम्मच में ऐसे देखते हैं, अलग अलग पोजीशन पे हमें अलग अलग इमेज दिखाई देती है। फेस चेंज करते हैं तब भी क्या है, अपने पास इसकी जो पोजीशन पे अपनी जो इमेज है अलग अलग दिखाई देती है। तो इसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट? इसका मीनिंग ये है कि हर एक पोजीशन पे इमेज क्या होती है, चेंज होती है ऑब्जेक्ट की। तो इमेज बनने के लिए एट लीस्ट टू रे चाहिए, और दोनों की दोनों रे क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तभी क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। एक सिंगल रे के कारण इमेज नहीं बनती। इमेज बनने के लिए कितनी रे चाहिए, अपने पास टू रे चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले कुछ रूल पढ़ते हैं हम, भाई बनेगी कैसे, तो देखते हैं रूल। रूल नंबर फर्स्ट, अपने पास एक मिरर ये था, अपने पास और डियर स्टूडेंट एक मिरर आपके पास ये था, ये हो गया इसका पोल और ये हो गया इसका सेंटर। ये क्या हो गया, इसका भी पोल है और ये क्या हो गया सेंटर, ये पोल है और ये क्या है सेंटर। अधीरे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये लाइन आपके पास। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई रे, इसमें आई है इसके पैरेलल में, और ये भी क्या रे है आपके पास है? इसके पैरेलल में, प्रिंसिपल एक्सिस के। ये जो मिरर है डियर स्टूडेंट, बताओ कौन सा मिरर है, ये कल पढ़ाया था आपको, ये कौन सा मिरर है, ये मिरर है कनकेव, और ये मिरर कौन सा है, कन्वेक्स। तो जब भी पैरेलल में रे पास होगी पैरेलल से प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस में से पास होगी। किसमें से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से, किसके लिए, ये कनकेव मिरर के लिए। तो ये किसमें से पास हुई है, प्रिंसिपल फोकस में। इसमें क्या है, पास होती हुई दिखाई देती है लेकिन होती नहीं है, अपीयर है, वर्चुअल है। तो क्या हो गया, ये जो मिरर है इसको डाइवर्ज करता है, और ये किसमें से पास हुई है, प्रिंसिपल फोकस में से पास होती हुई महसूस होती है हमें। क्लियर है फर्स्ट नियम, कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से। सेकंड नियम, सेकेंड नियम भी इसी में से बना देते हम। इफ रे फॉल, फॉल और ये क्या हो गया अपने पास सेंटर, और ये क्या हो गया सेंटर। अधीरे
प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है, यदि रे प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। इसमें क्या होता है, ये जो है प्रिंसिपल फोकस में से पास होती क्या होती है, नज़र आती है हमें। जैसे ही ये इसमें से पास होगी, डायरेक्शन है तो ये क्या होगी अपने पास डाइवर्ज हुई और किसके पैरेलल में आ गई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। जो थर्ड नियम है और इम्पोर्टेंट नियम है, इफ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस सेंटर में से पास हुई आपकी रे तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट इन सेम पाथ, सेम पाथ में क्या होगी, वापस रिटर्न होगी। तो क्या हुआ आपने पास मिरर तो ये है आपने पास, ये क्या आ गया पोल, पोल सेंटर फोकस और ये फोकस, आधी रे किसमें से पास हुई है, सेंटर में से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, सेम पाथ में क्या होगी, रिटर्न होगी सेम पाथ में। सेम ऐसा है इसमें देखो किसमें से पास हुई है, ये सेंटर में से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, सेम पाथ में क्या होगी, ये रिटर्न होगी। इन नियम से हम क्या पढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट नियम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के आई तो पैरेलल में, तो किस में से पास हुई है, फोकस में से। फोकस में से गई तो किस में से हो गई, पैरेलल में हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। सेंटर में से पास हुई है तो वापस क्या हो गई, सेंटर में से ही क्या हो गई, रिटर्न हो गई। ये थे इसके नियम। तो पहला करते हम फोर कनकेव, समझते हुए चलना है अच्छे से। तो फर्स्ट है अपने पास फोर कनकेव, और ये जो नोट्स बनाने हैं आपने एनसीईआरटी बुक से बनाने हैं, ये जो टॉपिक था 10.2.2, तो इससे स्टार्ट होंगे। तो फोर कनकेव, फर्स्ट केस, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट इनफाइनाइट। फर्स्ट जो केस है अपने पास, किस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पे, किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर ये था डियर स्टूडेंट अपने पास, ये क्या हो गया पोल हो गया, ये क्या हो गया सेंटर हो गया। अब इनफाइनाइट पे रखा है ऑब्जेक्ट, जैसे सन है अपने पास, इनफाइनाइट पे ही है, तो इसमें से क्या होगी, ये पैरेलल रे आई, डॉटेड का मतलब क्या है, इनफाइनाइट से आ रही है यहाँ से, तो यहाँ आके सॉलिड लाइन लिए, तो ये पैरेलल रे आई इसके
प्रिंसिपल एक्सिस के। फर्स्ट नियम ये था आपका कि जब भी पैरेलल रे आएगी वो किस में से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस में से। एक रे हो गई, कम से कम कितनी रे बताई थी आपको होनी चाहिए, दो रे होनी चाहिए। तो एक रे ये आ गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो ये भी किस में से पास हुई है डियर स्टूडेंट, ये भी किस में से पास हुई है, प्रिंसिपल फोकस में से। तो इमेज क्या आ गई अपने पास, इमेज, इमेज में क्या क्या डिस्कस करते हैं, पोजीशन करेंगे, पोजीशन, पोजीशन किस पे है, एट प्रिंसिपल फोकस, किस पे है, प्रिंसिपल फोकस पे। साइज कैसा है डियर स्टूडेंट, साइज है पॉइंट, कैसा साइज है, एक पॉइंट साइज है, कैसा साइज है, एक पॉइंट साइज। कैसी बनी है, रियल है या वर्चुअल, रियल का मतलब क्या है, रियल में क्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों रे क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो कैसी है, रियल में हुई है इंटरसेक्ट, तो क्या है, रियल इमेज है, और कैसी है, एंड इन्वर्टेड, रियल है और इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या बनेगी, उल्टी बनेगी। जैसे ये है ऑब्जेक्ट, तो ये है अपने पास, रियल इमेज का मतलब क्या है, ये क्या बनेगी, इस तरीके से बनेगी उल्टी। आगे देखो, दूसरा क्या है, आप जिस पे इमेज बनी है अपनी, क्या है, जिस पे अपनी इमेज बनी है उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट रख दो। अब की बार क्या रख दो, उसी के ऊपर ऑब्जेक्ट, पोल, सेंटर और ये फोकस। देखो डियर स्टूडेंट, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। यदि हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रखा है, यहां क्या रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे ही इसमें से रे गई आपकी, ये रे गई आपकी, तो प्रिंसिपल फोकस से जब भी रे पास होती है, सेकंड नियम था, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होंगी, वो इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ जाएगी। किसके पैरेलल में आ जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के, ये दोनों की दोनों रे क्या है, पैरेलल में। तो इमेज जो बनेगी डियर स्टूडेंट, इमेज, इमेज कहां बनेगी, पोजीशन, पहले फर्स्ट पोजीशन आ गई एट इनफाइनाइट, किस पे बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा था, तब कहां बनी थी आपकी इमेज, प्रिंसिपल फोकस पे। अब रखा है तो कहां बनी है अपने पास, प्रिंसिपल फोकस पे रखे तो कहां बनी है, इनफाइनाइट पे। कैसी बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड, कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अभी बताया था रियल एंड इन्वर्टेड क्या होता है। साइज कैसा बनेगा, हाईली लार्ज, हाईली लार्ज, उसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा। जैसे इनफाइनाइट पर क्या रखा था, सन,
सन का जो इमेज बनी थी एक पेपर पे बनाते हैं तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनता है। यदि प्रिंसिपल फोकस पे ही रखते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट तो वो साइज कितना बनेगा, एक सन के जितना बनेगा इनफाइनाइट पे। तो क्या हो गया, हाईली लास्ट। थर्ड जो है अपने पास, थर्ड, इफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, शीर्ष से क्या है दूर रखा है थोड़ा सा, तो ये आ गया अपने पास, क्या है अपने पास, ये क्या हो गया, ये पोल, और ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट सेंटर, और ये क्या हो गया अपने पास एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ऑब्जेक्ट कैसा अपने पास नीडल है। तो क्या हुआ, इस नीडल से या कैंडल रखी है अपने पास, इस कैंडल से रे गई पैरलर प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरलर गई तो किस में से पास हो गई डियर स्टूडेंट, फोकस में से। किस में से पास हुई है, फोकस में से, ये हो गई। जैसे ही ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हुई है रे, तो ये रे क्या होगी डियर स्टूडेंट, यहीं से वापिस होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो ये इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट पे हुए है इस पॉइंट पे, तो इमेज जो बनी अपने पास ये बन गई इमेज। ये क्या आ गया अपने पास, बी डैश और ए डैश, ए डैश बी डैश क्या अपने पास इमेज है, क्या है इमेज। अब क्या बतानी है हमने, पहला पॉइंट है अपने पास पोजीशन, पहला पॉइंट क्या है पोजीशन, पोजीशन क्या है डियर स्टूडेंट, सेंटर और फोकस के बीच में पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। कैसी बनी है, देखो उल्टी है, रियल है, इंटरसेक्ट हुई है, तो क्या है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है डियर स्टूडेंट, ये साइज देखो इतना है, और ये क्या है देखो नीचे आ रहा है ये, लेकिन ये ऊपर की तरफ है इमेज, तो इमेज का जो साइज है वो क्या है अपने पास स्मॉल है। ये थी इसकी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दी हमें, इमेज की पोजीशन बतानी है, रियल है इन्वर्टेड है, ये हमें क्या देना है इसकी इंफॉर्मेशन देनी है। तो फोर्थ पोजीशन की बात करते हैं, फोर्थ पोजीशन में हमने जो ऑब्जेक्ट रखना है वो कहाँ रखना है, जहाँ इमेज बनी है वहीं रख दो आप, जहाँ इमेज बनी है वहीं रख दो। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, तो अपने पास ये है, ये क्या हो गया अपने पास पोल, ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट सेंटर, ये क्या हो गया फोकस। सेंटर से बिहाइंड थी जब ऑब्जेक्ट, तो कहां बना था डियर स्टूडेंट, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज बनेगी डियर स्टूडेंट बिहाइंड द सेंटर, बिहाइंड द सेंटर उल्टे हैं एक दूसरे के, एक याद रख लो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, नियम याद हो तो और बेटर है। क्या हो गया पैरलर में गई ये रे, किस में से पास होगी डियर स्टूडेंट,
ये पास होगी प्रिंसिपल फोकस में से। एक रे क्या गई इस पोल पे, किस पे गई है? पोल पे। ये जो एंगल बनेगा सेम एंगल इसी के साथ बनता हुआ ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां इंटरसेक्ट हुई है? इस पॉइंट के ऊपर हुई आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इमेज बनी डियर स्टूडेंट यहां ए डैश बी डैश। इमेज क्या है? लार्ज है। पोजीशन क्या है? बिहाइंड द सेंटर। तो इमेज इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं अब इसमें। इमेज फर्स्ट क्या लिखना है? पोजीशन। क्या आ गई? बिहाइंड द सेंटर। सेकंड है इसमें क्या सी है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा है? साइज है लार्ज। साइज कैसा है? लार्ज है। फिफ्थ केस इंपॉर्टेंट केस है। क्या आ गए फिफ्थ केस में? अपने पास क्या है? ये मिरर है कनकेव। कैसा मिरर है? कनकेव मिरर। ये क्या होगा? ये अपने पास प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या अपने पास? पोल। ये क्या है? सेंटर। और ये क्या है? फोकस। इफ ऑब्जेक्ट, इसमें जो केस है ये केस, इफ ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी, इस पे रख दिया हमने, तो इमेज जो बनेगी डियर स्टूडेंट, एक तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, और किस में से पास होगी? ये प्रिंसिपल फोकस में से। इमेज जो बनेगी डियर स्टूडेंट यही बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये रे क्या हो गई? प्रिंसिपल किस में से गई है? ये प्रिंसिपल फोकस में से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये पॉइंट जो बना अपने पास ए बी ए डैश और बी डैश। इमेज क्या बनी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। किस पे बनी है? सेम साइज है, रियल है और इन्वर्टेड है। कैसी है? रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है और सेम पोजीशन पे है। कब? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लास्ट रह गया अपने पास केस, सिक्स्थ केस। इंपॉर्टेंट केस है, वैसे समझ लेना, मौखिक बता दूंगा, लिखने की जगह नहीं है यहाँ। तो देखो अपने पास ये क्या हो गया? अपने पास मिरर हो गया, और ये क्या है? पोल फोकस सेंटर। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल फोकस पे आगे रखा है, पोल और फोकस के बीच में। ये रे गई किस में से पास हो गई? ये पैरेलल क्या हुई है? पैरेलल। और ये रे क्या हुई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो रे है ये क्या होता जा रहा है? आगे की तरफ गैप होता जा रहा है। आगे तो मिलेगी नहीं, तो हमें जो मिलती हुई नजर आएगी ये काम आएगी डियर स्टूडेंट पीछे की तरफ मिलती हुई नजर आई। ये जो इमेज बनी है
ए डैश बी डैश कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर, मिरर से पीछे की तरफ बनी है। कहाँ बनी है? बिहाइंड द मिरर। ये कैसा है? वर्चुअल इमेज का है। कैसा है? वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज कैसी है? अपने पास इरेक्ट है, सीधी है और कैसी है? इनलार्ज्ड। यदि लार्ज की बात आती है, इनलार्ज्ड होगी तो कैसा है वर्चुअल इमेज? किस मिरर में बनेगी? कनकेव मिरर में बनेगी। कैसे बनेगी? कनकेव मिरर में, वर्चुअल और इनलार्ज्ड। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। फास्टली रिवाइज करते हैं, देखो क्या क्या याद रखना है। इनफाइनाइट पे था, पॉइंट साइज बना। बिहाइंड द सेंटर आए, बिहाइंड द सेंटर तो इमेज क्या हो गई? स्मॉल। सेंटर पे आ गए, इक्वल। सेंटर और फोकस के बीच में गए, फिर लार्ज्ड हो गई। फोकस पे गए और लार्ज्ड हो गई। तो याद रखना है, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ है, कहाँ है? पीछे की तरफ, तो इमेज बनेगी स्मॉल। यदि सेंटर पे है तो यहाँ बनेगी सेम साइज, और आगे की तरफ है तो बनेगी लार्ज। कैसी बनेगी? लार्ज। तो इसे नोट करें अपनी फेयर नोटबुक में और इसको वन बाय वन समझते चलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या है? पोजीशन है अपने पास कनकेव मिरर की। एग्जाम में इस पे इमेज फॉर्मेशन भी आता है, इमेज फॉर्मेशन या इन पे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल बाद में करेंगे, पहले आप इन पोजीशन को अच्छे से समझें और नोट करें। थैंक यू।